सबकी पसंद BR44 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे और इस रेस्टोरेंट में अवश्य पधारें। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। जनसंपर्क के जिला संयोजक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मिठाई सिंह ने कहा कि तपती दोपहरी और लू के भी ख्याल नहीं करते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। वहीं अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री हीरामन पासवान ने कहा कि महागठबंधन के लोग फ्यूज बॉल हैं और उन्होंने ये भी कह डाला कि प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन का प्रयास और महाजुटान धरातल पर उतरने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से। ये बताइए कि आप लोग का महाजन संपर्क अभियान का उद्देश्य क्या है? जन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन कल्याणकारी योजना चल रहा है, जिससे गांव गरीब का विकास हुआ है, उत्थान हुआ है, उसी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कहां कहां चलाया जा रहा है आप लोग का? जैसे कि बक्सर लोकसभा हो गया, इसमें कहां कहां चलाया जा रहा है? यह पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम बक्सर में चल रहा है वो कार्यक्रम भारत के हर जिला में चल रहा है। तो गोकुल जलाशय लवारिस पड़ा है, उसको विकसित करते हुए दुनिया के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर पर्यटन के दृष्टि से काफी विकसित करने की योजना है। उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी के प्रयास से 62 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। आने वाले दिनों में उस पर काम लगने वाला है। इसमें कई लोग, दिग्गज लोग शिरकत कर रहे हैं। उस महामिलन का उद्देश्य है मोदी को हटाना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यही बात कि महागठबंधन की जो बैठक है ये सब फ्यूज बल्ब लोग हैं और सैकड़ों बल्ब को एक बार जुटा दीजिए तो क्या उसमें लाइन आ सकती है क्या? इसी तरह महागठबंधन के लोग फ्यूज बल्ब हैं और कितना भी मीटिंग कर ले, बैठक कर ले, ये सार्थक होने वाला नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार बनी और आज 2023 है, 24 में भी पुनः राष्ट्र के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे। यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, वही निश्चित तौर पर बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे ताकत झोंक दिए हैं, हर जगह जा रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार जी तो वैसे मुख्यमंत्री हैं, पहले तो ये इंजीनियर थे और वैसे इंजीनियर हैं वो कि एक बच्चा गंगा जी में पार करने के लिए गंगा के किनार पर, नहर के किनार पर बैठा था और इन्हीं से लोग पूछ रहे थे कि बताइए कि इस नदी में कितना पानी है। नीतीश जी ने जोड़ घटाव करके कहीं 5 फुट, कहीं 7 फुट, कहीं 10 फुट गहराई था और वो बच्चों को बताए कि 4 फुट पानी इसमें है। ज्यों ही बच्चा गया 9 फुट पानी में तो बच्चा दह गया। लोग पूछे कि आप कैसे बता दिए कि यहाँ पर 4 फुट है? तो वैसे इंजीनियर हैं कि धरातल की स्थिति इनको पता नहीं है। अभी करोड़ों रुपया लागत से जो पुल बनी, इसका सीधा साधा उदाहरण है कि उद्घाटन के पहले ही शिलान्यास तो किए लेकिन उद्घाटन के पहले ही वो पुल ढह गई और अनैतिक गठबंधन, जैसे कि सांप आगे से डसता है और बिच्छू पीछे से डसता है, लेकिन जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पर सवार हुए हैं। इसी तरह राजद के लोग लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है पूरी तरह फेल सरकार है।
और आने वाले समय में बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। ये पूरी तरह जदी तो पूरी तरह मिट जाएगी, और कुछ टिमटिमाने लायक अगर कोई है तो राजद है, उसका भी अस्त होने वाला है।